I see you wearing these new glasses. What's the story behind them? What keeps you motivated to do all that you do in your life? अगला क्वेश्चन गुरु के लिए हमारे दिमाग में ये है कि what is it that you dream to achieve in the next 10 years of your life? आज की इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को हमारे बीच बुलाने वाला हूँ. उनको आपने इस चैनल पर बहुत बार देखा होगा. वो हर वक्त बोलते रहते हैं टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली. बट उनको क्या मोटिवेट करता है, व्हाट डज ही ड्रीम ऑफ, डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे द स्टोरी बिहाइंड उत्कर्ष नारंग. So welcome Utkarsh to the conversation. Good to have you here. Thank you for having me here. It's just a joy to be here and having this conversation with you. I see you wearing these new glasses. What's the story behind them? Yeah. So these glasses, they're the Hustler collection from Piyush Bansal Lenskart. And you know why this term hustler is so important? कई बार हसलर को ये समझा जाता है कि हसल करना या हसलर होना इज समथिंग दैट यू स्ट्रगल विद लाइफ, यू पुश टू हार्ड, यू आर जॉसलिंग एंड उसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव कनोटेशन भी हो सकता है. वेल, मेरे लिए इस हसलर शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टार्टअप बना रहे हैं या आप एक जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको हसल करना है. हसल आपको लाइफ में करना है. आप कैसे एक बेस्ट पेरेंट बन सकते हैं, कैसे एक बेस्ट सन बन सकते हैं, डॉटर बन सकते हैं, कैसे एक बेस्ट स्पाउस बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, जिस भी रोल में आप काम कर रहे हैं लाइफ में, वो सारे रोल्स आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हो, और वही हसल की सही डेफिनेशन है. सो मेरे हसलर ग्लासेस आई थिंक कम फ्रॉम दैट एरिया ऑफ माय लाइफ. इंटरेस्टिंग यू यूज दिस वर्ड हसलर. यार लाइफ इटसेल्फ, यार आई मीन एक बार जस्ट शांति से बैठ के अगर एक गहरी सांस ही लो तो इट्स जस्ट ऑल इंस्पायरिंग. हर चीज़ मेरे को इंस्पायर करती है एंड बहुत ही मोटिवेटेड फील करता हूँ कि ऐसी एक हमारी किस्मत है या हमारा लक है दैट वी बीन गिवन दिस ह्यूमन लाइफ. एंड यू नो ऑल आवर लिसनर्स दे वांट टू नो लाइक व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू डू ऑल दैट यू डू इन योर लाइफ. जो लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ एक होम मेकर हैं, या जो लोग स्टार्टअप बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, अगर आप उसको फुल्ली कर सकते हो, गिव योर बेस्ट सेल्फ, योर फुलेस्ट सेल्फ टू इट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट एंड दैट्स व्हाट लाइफ मीन्स. एंड अगर एक बार आप उस पाथ पे हो जाओगे तो फिर आपकी मोटिवेशन की आपको कोई कमी नहीं लगेगी. उस पाथ को ढूंढना कई बार मुश्किल होता है, बट कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इट. बट कोई तो ऐसा इंसान होगा ना जो आपको इंस्पायर करता है, जिसकी बातों से आपको लगता है कि लाइफ थोड़ी इजी हो गई, या जो जिसके बारे में सोच के यू गेट लाइक रियली फायर्ड अप कि आई हैव टू अचीव सो मच. आई मीन व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, सब इंस्पायर करते हैं मुझे. यू नो एक बार मैंने हैप्पीनेस प्रोजेक्ट किया था, उसमें आई मेट अबाउट 400 पीपल. Every life I touched and every human I spoke to in that moment was very inspiring. But yeah, my parents inspire me, my wife inspires me, my children, they inspire me. वो भी बहुत effort डालते हैं रोज school जाने में और काम करने में. So all human beings, I think all life inspires me. And I know ये कई बार fluffy feel हो सकता है. अगर आप ये सोचें कि आप कैसे अपना full दे सकते हैं life को, तो life becomes just very easy to manage and life becomes very easy to live through. इस पे एक अपने आप पे प्रेशर मत रखिए कि मुझे ऐसे जीना है वैसे जीना है. बस कीप फाइंडिंग योरसेल्फ, कीप डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन एंड लेट एवरीथिंग एल्स बी टेकन केयर ऑफ बाय द यूनिवर्स. आप किसी गॉड में मानते हैं या नहीं मानते हैं, डजंट मैटर, देयर इज सम यूनिवर्सल एनर्जी दैट्स गाइडिंग ऑल ऑफ अस एंड जस्ट बिलीव इन दैट एंड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग. वेल दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. एंड हाँ, लाइफ को कुछ हद तक आसान भी कर ही देती है ये. बट बचपन में क्या ड्रीम्स थे आपके, लाइक व्हाट डिड यू dream to become in life or any aspirations that you would want to childhood share? Dreams, well, childhood mein I was chill karte aur kya, matlab school was I think the best time of my life and I really miss every part of it. I was in St. Xavier's Delhi and I think wahan par jitni friendships bani, jitne wahan ke dost hain, jitni wahan pe memories hain, I don't think waisa kuch maine kabhi experience kiya hai. It was just a beautiful time of life. मुझे याद है मेरे दोस्त मुझे गुरु उत्कर्ष बुलाया करते थे. कभी उनको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था तो आई वॉज रेडी टू गिव टू देम. बट बहुत ही फन फिल्ड मेमोरीज हैं, बहुत ही डीप मेमोरीज हैं जो कभी कभी अगर बैठ के उनको याद करो तो बहुत याद आते हैं वो दिन और वो फ्रेंडशिप्स और वो सिंप्लिसिटी. आई थिंक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट थी. कोई बड़े चैलेंजेस नहीं थे, कुछ बड़ा अचीव नहीं करना था, बस एक चिल्ड आउट लाइफ जीनी थी. बट आई थिंक वो जो कोचिंग वाले और लाइफ स्किल वाले जो बीज हैं वो तभी बोए गए थे जब गुरु उत्कर्ष बुलाया जाता था और आज तक आई थिंक वही कर रहा हूँ. बट मॉडर्न एज गुरु बनना चाहता हूँ थोड़ा, तो इसलिए ये हसलर वाला चश्मा भी है. बट होपफुली आप लोगों को मैसेज हमारा पसंद आता है. वेल देन अगला क्वेश्चन गुरु उत्कर्ष के लिए हमारे दिमाग में ये है कि what is it that you dream to achieve in the next 10 years of your life?
वेल अगले 10 साल बहुत लंबे हैं यार. आई मीन आई डोंट नो वेयर आई विल बी इन अ डेकेड फ्रॉम नाउ, बट होपफुली वी विल बी स्टिल ऑन द मिशन ऑफ टचिंग अ बिलियन लाइव्स. होपफुली वी वुड हैव अचीव्ड इट और मे बी एटलीस्ट बी 50-70% ऑन दैट पाथ. बट या आई मीन रिपल इफेक्ट है ये, एक हर लाइफ जो हम टच कर पाते हैं वो जाके अनेकों लाइफ टच करती है. तो इसको क्वांटिफाई करना आसान नहीं होगा, बट मे बी जब बिलियन व्यूज़ हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तब हम मान लेंगे कि वी हैव टच्ड अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली. इट इज़ अ लॉन्ग ऑर्डिन, इट इज़ अ मैराथन, बट हम भी हार नहीं मानने वाले. हमें बहुत मज़ा आता है काम करने में, बहुत मज़ा आता है अच्छा कॉन्टेंट बनाने में, वीडियोज़ बनाने में, और वाइल हैविंग फन एंड दैट्स अबाउट इट. सो या इन नेक्स्ट 10 ईयर्स दिस इज़ वेयर आई सी माई सेल्फ. बट ये बिलियन लाइव्स की हिम्मत कहाँ से आती है यार? क्योंकि मतलब मैं आपके चैनल को 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ और आई हैव सीन यू मेक दीज 200+ वीडियोस, बट सिर्फ 2200 ही सब्सक्राइबर्स हैं. सो हाउ डू यू थिंक दैट बिलियन विल एवर कम ट्रू? वेल आई मीन हिम्मत आई थिंक खुद से कनेक्ट करने से आती है. अगर आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, खुद के ऊपर फोकस कर पाएंगे, तो वो हिम्मत भी डेवलप हो जाएगी टू परसू दीज लार्जर मिशन इन लाइफ. एंड इतना मुश्किल नहीं होता, एक बार वो क्लैरिटी आ जाती है कि आप खुद कौन हो, क्या चाहते हो लाइफ से, कौन सी वैल्यूज़ आपको ड्राइव करती हैं, क्या मिशन है जिस पे आप हो, एंड उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है. बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक नॉन अटैचमेंट की स्टेट में आ जाते हो. आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचेगा, आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि वो लोग क्या कहेंगे. वो लोग डजेंट मैटर यार, वो 4 लोग आपको कभी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं मिलना, कभी उन्होंने ज़िंदगी में आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालना. तो जो मन में आता है वो करो, किसी को हर्ट नहीं करो. डू इट विद ऑल लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, एंड फिर जो मन करता है वो करो. बिकॉज यू कैन डू द अनअचीवेबल, यू कैन डू द अनथिंकेबल, एंड यू कैन क्रिएट वॉट इज राइट नाउ मे बी इम्पॉसिबल. तो थैंक यू फॉर योर टाइम यार. आई मीन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ये जो एंटरप्रेन्योर है, जो कोच है, जो क्रिएटर है, उसके पीछे की स्टोरी जान के. But do you have any one message that you can give to our listeners? And feel free to just directly speak to the camera. Well, one message, is it okay? Yeah, I'll speak to the camera. Hustle karo yaar. I mean, life na bahut badi hai. Life mein bahut kuch achieve karna hai abhi. Usko squeeze mat karo ek chote se dabbe mein ya ek choti si journey mein. अगर अभी करियर सही नहीं चल रहा है दैट्स ओके, आगे वो बेटर हो जाएगा. अगर अभी स्टार्टअप नहीं चल रहा है इट्स ओके, वापस नौकरी करो और फिर आ जाना. अगर अभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहे तो सोचो और क्या कर सकते हो. बिजनेस करना है बिजनेस करो. वॉट एवर द हेल यू वॉन्ट टू डू, जस्ट मेक अ वेरी एक्सपेंसिव व्यू ऑफ योर लाइफ. आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और मैं आप में यकीन करता हूँ. अगर कोई ऐसा दिन आए ना जब खुद पे यकीन ना आए, तो याद रखना कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आप पे यकीन करता हूँ. जस्ट रीच आउट टू मी, फाइंड माई ईमेल, फाइंड माई फोन नंबर, एंड आई विल बी हैप्पी टू बी देयर फॉर यू एंड इन अ वे इग्नाइट योर स्पार्क. वेल ये थे उत्कर्ष के पीछे की कहानी, द हसलर विद इन हिम, द गुरु विद इन हिम. एंड अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायर करती है तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और लोगों के साथ, सो दैट एवरीवन एल्स कैन एक्सपैंड देयर लाइव्स एंड बी the best self. I know ye itna aasan nahi hai, I know ye fluffy bhi lagta hai kai baar, but we're right here with you on this journey, Ignited Neurons, on a mission to ignite your spark, on a mission to touch a billion lives positively. And as always, aapka ek like, ek share, ek subscribe hamare mission mein hamara saath deta hai. So why don't you go ahead and do that.